अब तक मैं अपने बाप दादा का नाम रखने के लिए खेती करता रहा, पर अब मुश्किल बढ़ गई है। गांव वाले कुछ भी कहें, इज्जत से खाली पेट नहीं भरता। ये खेत बेचकर शहर चला जाता हूँ। सत्यवान ने कुछ सोचकर किशनलाल की 3 एकड़ जमीन 5 लाख रुपए में खरीद ली और किशनलाल ने शहर का रुख किया। जब वह गांव वापस आया तो देखता है कि उसके खेत का तो काया पलट हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरी बंजर जमीन पे इतनी उपज कैसे? आओ किशन भैया, सब कुशल मंगल। सत्या भाई, मैं अपना खेत वापस लेना चाहता हूँ, क्या कहते हो? भैया बुरा मत मानना, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस खेत पे बहुत मेहनत की है मैंने और खर्च भी लगाया है। ये तो सरासर बेईमानी है, मैं ये मामला पंचायत में ले जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझो भैया। क्यों बेटा, तू किसना को उसका खेत काहे नहीं लौटा देता? दादा मैंने इस बंजर खेत को सुधारने में बड़ी मेहनत और खर्च किया है। भैया जब जमीन आपके पास थी तो एकड़ की मुश्किल से 4 क्विंटल सोयाबीन होती थी, अब उससे कहीं ज्यादा उतरती है। भैया ऐसा भी हो सकता है क्या? क्विंटल ऐसा भी हो सकता है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। सत्या ये तो पूरे गांव के लिए फायदे की चीज है, जरा खुल के बताओ। काका दिन ब दिन हम ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है और रोगों का हमला भी बढ़ता है। मैंने तो हर साल अलग फसल लगाई, महंगी खाद और दवा भी डाली, पर ऐसी फसल कभी नहीं हुई। आप हर बार कीड़ों को भगाने के लिए ज्यादा केमिकल वाली दवाया यूज करते गए, इसी वजह से आपकी मिट्टी कम उपजाऊ हो गई और रोगों की तीव्रता बढ़ गई। और मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं नहीं चाहता कि केमिकल फार्मिंग की वजह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो, इसीलिए मैंने टीमेक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाया। मैंने भूमिविटा की मदद से अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाया। ये है वृद्धिविटा जो फसल को तंदुरुस्त रखता है और उत्पादन बढ़ाता है, और ये है बायोरक्षक 20, 40, 60 और 80 जो किसी भी प्रकार के रोग कीड़ों और सूक्ष्म कीटकों को जड़ से मिटाता है। आज मेरे खेत में कीड़ों का नामो निशान नहीं है। भाई की जमीन परती पड़ी है, उसकी साझेदारी में खेती करूंगा और तुम्हारी तरह खुशहाल किसान बन जाऊंगा। स्मार्ट किसान भैया। लो जी, इन्होंने तो अपना झगड़ा सलटा लिया और गांव वालों को एक खजाने की चाबी भी दे दी। टीमेक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ने के लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाइए।